मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 जुलाई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 25 मार्च 1995। मुडी का सार है, ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। तो बहुत ही प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में कितना जमा है। मिला अनगिनत है लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा से पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। तो जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ की हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी, और संकल्प किया कि मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो कि मैं बिंदु हूं, मैं फरिश्ता हूं। यह स्थिति संकल्प से ही बनी, तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो हो नहीं होती है। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, निर्णय ठीक ही नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है।
परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो की ही नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा, मन ही नहीं लग रहा है। कारण, विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती कौन सी, व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते फिर बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये चेक किया कि आपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया, ये चेकिंग की। यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खतरा होगा ना, तो अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है, अपना चेकर बने हो या दूसरों के चेकर बने हो, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। तो पापा दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है ना। हम लोग इतने अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम सोच भी कैसा रहे हैं, सही सोच रहे हैं या वेस्ट ज्यादा सोच रहे हैं। तो बाबा आज हमारा ध्यान इस तरफ खिंचवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं, और आप सभी कौन हो, आप भी मास्टर हो या नहीं। इकोनॉमी नहीं आती, खर्च करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है, खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है, व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा, वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं बच्चे। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं, अपने आप और चीजें भी कम होनी शुरू हो जाती हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा, व्यर्थ ही होगा ना। तो जैसा सोचेंगे वैसा ही तो करेंगे, वैसा ही तो बोलेंगे, तो वो भी वेस्ट हो गया। फाउंडेशन है संकल्प, तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो उसको, लाइट नहीं लो। ठीक है सिर्फ 2 ही मिनट तो हुआ, ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच आएंगे, तो वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, है ना। सेकंड में तो सोचने में तो 1 ही सेकंड में पहुंच जाएंगे, और वैसे जाना होगा तो ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगेगा, तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो कि अपने संकल्प शक्ति की बचत करो, और फिर रात्रि को चेक करो, अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं ना, तो चाहे बचत थोड़ी हो लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च करना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि आप बचा कर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो, ये नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है,
मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना, तो अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो चेक करो। क्या चेक करना है? कि कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर ही सकते हो ना, उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना है, नहीं तो आदत पड़ जाती है। एक घंटे को भी चेक करो तो एक घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए, तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा, नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। और ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति ही नहीं लगती। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। और अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है, राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। तो जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते रहते हैं, कभी चेक किया? बहुत पोज बदलते हैं। तो बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना, कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं और फिर कहते हैं 3 दिन हो गए खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई? क्यों गुम हो गई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। एक सेकंड में निर्णय करो, बाबा कहते पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दो शब्द याद रखने हैं, नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर ही रोते रहे है ना, आंखों से पानी नहीं गिराया लेकिन अंदर ही अंदर रो रहे हैं। 1/2 घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो, ये बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, रोना नहीं अच्छा लगता लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है, कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो कि ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, फिनिश, आगे के लिए टेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो कि वो नहीं करना है, है ना? तो बाबा कहते हैं अटेंशन के बजाय टेंशन करते हो, वो नहीं करना है हमें। बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, रॉन्ग राइट, जल्दी से डिसीजन लो कि क्या सही है क्या गलत है। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट लगा दो, ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसे होता। ये गवाने का खाता ना जमा करते हैं, यही करते रहते हैं, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म होता है,
सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, और बचा के दिखाओ। एक घंटे से इतना बचाया, ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। वेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। और इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना, बचत कर सकते हैं ना बच्चे, तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है ना। फिर देखेंगे इसमें नंबर वन कौन जाता है। बचत का खाता सबसे ज्यादा होता है, किसका होता है? बचत के खाते में नंबर वन कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया और तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प ही आता है। अगर किसी से क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में प्लान बनता है कि ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा उसको, ऐसे उसको जवाब दूंगा। ये क्या समझता है, प्लान चलता है ना। और फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं, समय देखते रहेंगे कि कब आता है, कौन आता है, कब आएगा तो उसको मैं बोलूंगा। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट चला जाता, क्योंकि ध्यान उधर चला जाता है, जब वो आएगा तो उसको ये बात बोलनी है मैंने। संबंध है समय का और संकल्प का। तो संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। संकल्प को बचाएंगे तो समय भी बच जाएगा और हम बोलने से भी बच जाएंगे, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं, प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करनी है? शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो। लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो और साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना, एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं इकोनॉमी। ऐसे स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। बाबा कहते सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना।
तो ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, पापा ने आज वरदान दिया कि खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता जो सदा खुश रहते और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो मालामाल अनुभव करेंगे। स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।